हेलो एवरीवन वेलकम टू वीर अकेडमी सो आज हम फिर से ओलम्पियाड के एम टी जी की वर्क सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एवरी वेलकम टू आवर चैनल तो आज हम करने वाले हैं क्लास फोर का एन एस ओ सॉल्व करेंगे हम जो है चैप्टर नंबर टू दैट इज़ एनिमल तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना है इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते समय आप इस पे ध्यान देंगे तो इजीली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे टेस्ट स्किल में आपको बताया गया है कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो कवर करने वाले हैं जैसे कि हो गया क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एडेप्टन इन एनिमल लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल एंड फूड चैन फूड वेब एंड एनर्जी फ़्लो तो क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरस्टिक्स मीन्स एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किस किस वे में जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उनके डिफ़रेंट कैटेगरीज होते हैं उसके क्लासिफिकेशन उसे हम क्लासिफिकेशन कहेंगे कैटे कैरेक्टरस्टिक्स में हम बताएंगे कि उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसे हम कैरेक्टरस्टिक्स कहते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स उनके ही तरह के जो जानवर है वो कैसे बढ़ते हैं रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं एडेप्टन मतलब वो किस तरीके सराउंडिंग में रहते हैं लाइफ साइकिल मतलब उनकी लाइफ साइकिल मतलब वो जब से होते हैं जब तक उनकी लाइफ एंड नहीं हो जाती है तो उस लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे फूड चैन मतलब कौन किस पे डिपेंड रहता है फूड के लिए फूड वेब और किस तरीके से एनर्जी एक एनिमल से दूसरे एनर्जी एनिमल्स तक फ्लो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे <coughs> तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एनिमल्स की कैटेगरी दी गई है जिसमें आपको इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट दो क्लासिफिकेशन दी गई है टू टाइप्स ऑफ एनिमल बताया गया है पहला है इनवर्टिब्रेट एंड दूसरा है वर्टिब्रेड्स तो इनवर्टिब्रेट जो होते हैं दे डू नॉट हैव अ बैकबोन उनके बैकबोन नहीं होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते दे इंक्लूड इंसेक्ट फॉर्म एंड स्नेल तो उसमें कौन कौन से एनिमल्स uh, आते हैं कि इंसेक्ट कीड़े कीड़े मकोड़े आते हैं वॉम्स वॉर्म्स आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बरसात में आप बरसात में आप वॉर्म देखते हो कीड़े जो होते हैं वॉर्म्स हो गए एंड स्नेल स्नेल हो गए आपने देखा होगा स्नेल पेड़ में ऐसे मतलब चिपक के चलते हैं देखिए छोटे से उनके टोटोइस की तरह उनके पीछे सेल होता है तो वो सारे जो एनिमल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट में आते हैं क्योंकि उनका बैकबोन नहीं होता मींस रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जैसे इंसानों में और कुत्तों में आपने देखा होगा गाय में देखा होगा उनकी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे नहीं होते इसीलिए इन्हें इन्वर्टिब्रेड के कैटेगरी में डाला गया है दूसरा है वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट उन्हें कहेंगे जिसके बैकबोन होते हैं दे हैव अ बैकबोन दे इंक्लूड फिश मतलब हड्डियाँ होती है उसमें जैसे कि फिश हो गई जो वाटर में रहती है उनके बॉडी में स्केल्स होते हैं आपने देखे होंगे फिश जो होती है उनके बॉडी में ऐसे स्केल होते हैं स्केल ऑन देयर बॉडी दे स्विम यूजिंग देयर फिन फिंस के हेल्प से और टेल के हेल्प से वो क्या कर सकते हैं पानी में मतलब मूव कर सकते हैं एग्जाम्पल गप्पी एंड मैक्रेल एम्फीबियन एम्फीबियन उन्हें कहा जाता है जो जमीन में एज वेल एज लैंड में भी रहते हैं सॉरी जो जमीन में और पानी में दोनों में रहते हैं हैव अ मॉइस्ट स्किन और उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ही नाजुक और मॉइस्ट होती है मॉइस्चर होती है उनकी स्किन में एग्जाम्पल फ्रॉग हो गए टॉड हो गए न्यूट हो गए रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है वो ड्राई होते हैं उनकी स्केली स्किन होती है स्केली स्किन मीन्स जो फ्लेकी स्किन बोलते हैं ना वैसे स्केली स्किन होते हैं दे ले एग्स और वो अंडे देते हैं जैसे कि चिपकली हो गई और स्नेक हो गया ओके नाउ बर्ड्स बर्ड्स जो होते हैं उनके फेदर होते हैं एंड अ पेयर ऑफ विंग्स विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं और वो भी अंडे देते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिया गया है पीजन पीजन मतलब कबूतर एंड स्पैरो सम बर्ड्स हा आर फ्लाइटलेस कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं मीन्स जो उड़ नहीं सकते हैं एग्जाम्पल इमू हो गया और पैंगुइन हो गया ठीक है मैमल्स हम किसे कहते हैं मैमल्स जिनके हेयर होते हैं उनके बॉडी में जैसे कि इंसान हो गए देख लीजिए तो ये क्या करते हैं ये अंडे नहीं देते ये यंग वनस को जन्म देते हैं जैसे कि फीमेल मैमल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती है अब फीमेल मैमल्स में आप किसका बोलोगे गाय हो गया एलिफेंट हो गया दिज ऑल आर फीमेल मैमल्स ओके और ये दूध प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को जन्म देने के बाद ह्यूमन हो गए कैट हो गए हॉर्स हो गए एलिफेंट हो गए तो ये सब क्या है एग्जाम्पल है मैमल्स के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट अब एनिमल्स को किस चीज़ से डिफरेंट किया गया है कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं तो यहाँ पे बहुत तरीके के आपको बेसिस दिए गए हैं जैसे कि हो गया हावी बोरस कानीवोरस ओमनी बोरस पैरासाइटिक स्कैमेंज ठीक है अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ अब यहाँ पे देखिए हावी वोरस हम किसे कहते हैं जो सिर्फ प्लांट खा प्लांट की चीज़ें खाता है जैसे कि घास खा लिया प्लांट के पत्ते खा लिए फ्रूट्स खा लिए तो उसे हम हावी वोरस कहेंगे और उसके अलावा वो कुछ नहीं खाते तो उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा डियर एंड काओ आएगा कार्निवोरस हम किसे कहते हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स को सिर्फ खाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कार्निवोरस ये जो कार्निवोरस होते हैं वो प्लांट्स ये वो नहीं खाते हैं एग्जाम्पल में क्या आ गए लायन और टाइगर आ गए ओमनीवोरस हम किसे कहते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं एग्जाम्पल बियर हो गया क्रो हो गया और हम ह्यूमन हो गए जैसे कि हम ह्यूमन ह्यूम में भी बहुत सारी कैटेगरी है जो सब कुछ मीन्स जो एनिमल्स भी खाते हैं प्लांट भी खाते हैं तो बियर हो गया क्रो हो गया और ह्यूमन हो गए वो होते हैं ओमनीवोरस के कैटेगरी में पैरासाइटिक दो टाइप का बताया गया है एक्स्ट्रो पैरासाइटिक बताया गया है इंडो पैरासाइटिक बताया गया है तो इसके सिर्फ कैटेगरीज आपको बताई गई है तो इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं होंगे ओके अब यहाँ पे स्कैवेंजर बताया गया है स्कैवेंजर हम किसे कहते हैं जो सर्वाइव करते हैं बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अ डेड एनिमल जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उसके ऊपर जो कीड़े लगे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं स्कैवेंजर्स कहते हैं स्कैवेंजर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में वो क्या करते हैं सडी गली चीज़ों को खाते हैं अगर वो ऐसी चीज़ों को नहीं खाएंगे तो हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाएगी तो इसके एग्जांपल्स में वॉन्ग्स भी आ सकते हैं यहाँ पे हाइना एंड वोल्चर दिया हुआ है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब है यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब के बारे में वॉट इज अ फूड चेन एंड वॉट इज अ फूड वेब और एनर्जी फ्लो के बारे में ओके फूड चेन किसे कहते हैं इट शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्म फ्रॉम ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर वाया फूड तो फूड चेन जो होता है उसमें क्या होती है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है जैसे कि ग्रास ऊपर है ग्रास ऊपर ने घास खाया ग्रास ओपर को किसने खाया ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया अब फ्रॉग को किसने खाया स्नेक ने खाया स्नेक को किसने खाया आ, ने खाया तो ये एक तरीके का है। एक की एनर्जी जो है वो एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को तीसरे से चौथे को इस तरीके से फ्लो हुई ठीक है तो इसे हम कहते हैं फूड चैन अब यहाँ पे फूड वेब फूड वेब जो है इट इज अ कनेक्शन ऑफ अ मल्टीपल फूड चेन जैसे कि हमने कहा था फूड वेब हम किसे कहेंगे मतलब एक जानवर से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे तो इसे हम क्या कहेंगे फूड वेब मतलब कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे फूड वेब कहेंगे एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन और फूड वेब इट ऑलवेज इन वन डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन मतलब मान लीजिए जैसे कि ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को स्नेक ने खाया स्नेक को ईगल ने खाया तो कैसे है ये एनर्जी फ्लो हो रही है एक डायरेक्शन में तो उसे हम क्या कहेंगे फूड सॉरी एनर्जी फ्लो कहेंगे उसे ठीक है होप सो so आपको ये समझ में आया होगा अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको दी गई है एडेप्टन एडेप्टन इनेबल द एनिमल टू लीव वेल इन डिफरेंट हैबिटेट है मतलब होती है आदतें आदतें जो होती है एनिमल्स को एक डिफरेंट हैबिटेंट में मीन्स एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने के लिए जब मजबूर करती है या फिर इंसान उसका या फिर जानवर उसकी आदत हो जाती है तो उसे हम कहेंगे अडेप्टशन हो जाना एनिमल्स दैट कैन नॉट अडप्ट जो एनिमल्स किसी भी कंडीशन को अडेप्ट कर पाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ जैसे कि डायनासोर डायनासोर के टाइम में उनकी अडेप्टशन जो थी वो अलग थी फिर धीरे धीरे उनकी अडेप्टेसन ख़त्म होने लगी तो डायनासोर भी खत्म हो गए वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए मैं पैंगुइन को ला कर डेजर्ट एरिया में रखती हूँ तो पैंग्वइन को कौन से जगह में रहने की आदत है ठंडी जगह में रहने की आदत तो उसे अगर मैं डेजर्ट एरिया में ला के रहती हूँ तो वो क्या जी पाएगा वहाँ पे नहीं उसकी एडेप्टन वो नहीं है तो अगर वो उस एडेप्टन को नहीं अपनाता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा मर जाएगा वक्त से पहले मर जाएगा वही चीज है फ्रॉक को पानी के बाहर या पानी के अंदर रहने की आदत है अगर मैं उसे गर्म खोलते हुए पानी में डाल दूंगी तो क्या वो उसमें रह पाएगा नहीं रह पाएगा वो धीरे धीरे मर जाएगा ओके तो इसे हम कहते हैं एडेप्टन कोई भी चीज में रहने की आदत या किसी भी जगह पे अपने आप को ढाल लेने की आदत को हम एडेप्टन कहते हैं होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा चलिए नेक्स्ट तरफ देखते हैं अब यहां पे बोला गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल किस तरीके से अपने ही समुदाय को या फिर अपने ही जैसे को आगे बढ़ाना इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन जैसे इंसानों को बच्चा होता है वैसे जानवरों को भी बच्चा होता है अब बच्चे तो होते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन अब रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं एक तो है अंडे देते हैं कुछ जानवर और कुछ जानवर जो होते हैं वो अंडे नहीं देते वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो आप जरा ध्यान दीजिएगा जो जानवर के कान दिखते हैं ठीक है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके कान दिखते हैं याद रखिएगा वो यंग वंस को जन्म देते हैं और जिनके कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं ये एक सिंपल सा है जैसे आप बकरी देख लीजिए आप जैसे कि दूसरे हाथी देख लीजिए इनके कान दिखते हैं तो ये अंडे नहीं देते ये बच्चे देते हैं और जैसे कि कबूतर हो गए उनके कान नहीं दिखते हैं राइट right? आपका टर्टल हो गया उनके कान नहीं दिखते हैं स्नेक के कान नहीं दिखते तो ओके okay? है जो बर्थ देते हैं तो तो दे दे जो अपने जैसे ही यंग वंस को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मैमल्स कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टाइगर हो गया बैट हो गया कंगारू हो गया बेल हो गया एक्सेट्रा एस, तो वेल भी जो है वो एक मामल है वो अंडे नहीं देता है ओके अब यहाँ पे एनिमल्स दैट ले एग्स कौन से एनिमल्स है जो एग्स देते हैं दे इंक्लूड इंसेक्ट इंसेक्ट अंडे देते हैं फिश अंडे देते हैं एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स फिश फ्रॉग बटरफ्लाई स्पैरो एसेट्रा ये भी अंडे देते हैं चलिए आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल एनिमल की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड बर्थ ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड डेथ हर एनिमल्स हो इवन ह्यूमन बींग उनकी जन्म होती है बड़े होते हैं अपने जैसे ही के रिप्रोडक्शन करते हैं वो और फिर एक वक्त के बाद गुजर जाते हैं तो सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस वाइल सम ले एग्स कुछ अपने जैसे बच्चों को मतलब अपने जैसे ही आ, अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ अंडे देते हैं एग ले एनिमल्स में हैव थ्री और फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो अंडे देते हैं वैसे उनके वो जानवर में दो से तीन ही लाइफ uh, साइकिल होती है जैसे कि कॉकरोच की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो उनके थ्री स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है पहला वो अंडे देते हैं फिर वो अंडे नींब में बदलते हैं फिर वो बड़े होते हैं एज बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई का फोर एक स्टेज है पहला अंडे देते हैं फिर लार्वा होता है फिर प्यूपा होता है फिर वो एडल्ट होता है एंड उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो इस तरीके की लाइफ साइकिल होती है हम ह्यूमन की लाइफ साइकिल कैसी होती है पहले बर्थ होता है फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर वो धीरे धीरे टीन एजर्स से फिर वो आ, एडल्ट में बदलते हैं एडल्ट से बुढ़ापे में बदलते हैं बुढ़ापे के बाद उनका डेथ हो जाता है उसी तरीके से सबके फोर टू फाइव सिक्स टू सेवन ऐसे कैटेगरीज है ओके तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं सम एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड कोई कोई एनिमल जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून आप जो कहते हैं मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उनकी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स आर आर सम कोल्ड ब्लडेड मैमल्स और बर्ड्स जो है ये कोल्ड ब्लडेड है बॉडी टेम्परेचर वेराइज विथ सराउंडिंग उनकी बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहती है सराउंडिंग के हिसाब से इंसेक्ट इंसेक्टेस एम्पीवियंस एंड रेप्टाइल्स इनके एग्जाम्पल्स हैं ओके होप सो आपको समझ में आया हो इस पॉइंट में आपको एक ही चीज कहा गई है कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड एंड कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ओके और इनके टेम्परेचर इनकी बॉडी के टेम्परेचर ना इनके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते रहती हैं। अब हम इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस तो क्वेश्चन है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन विच इज इन चैप्टर टू That is animals. और अगर का वीडियो नहीं है, तो आपके वॉच कर सकते हैं उसका वीडियो हमने प्रिपेयर करके डाला है, जिसे आपको इसे करने में है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेलेक्ट दन आउट ऑन द बेसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे आपको ऑट वन आउट दिया गया है आपको इसके बे, बेसिस के ऊपर में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको अलग करना है तो हमने मैमल्स के बारे में पढ़ा था जो मैमल्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं एनिमल्स जो अंडे देते हैं मींस टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था विच इन इन वन इन विच दे ले एग्स एंड आना दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस तो यहाँ पे आपको उसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर में इसको ऑर्डन आउट करना है तो अगर हम स्नेक की बात करें फ्रॉग की बात करें या पेंगुइन की बात करें तो ये एक देते हैं राइट और अगर हम बैट की बात करें तो ये एक मैमल्स है जो कि मतलब बर्थ देते हैं अपने ही टाइप के यंग वंस का तो यहां पे जो बैट है ये ऑड वन आउट है तो हम इसे टिक मार्क करेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में बोला है डैश हैचेस आउट फ्रॉम द एग इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल शोन हेयर तो यहाँ पे जो एनिमल्स दिखाया गया है वो क्या है एक बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई के एक से क्या हैच होता है? और तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कैटरपिलर जब अंडा हैच होता है तो उसके बाद जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की वो होती है कैटरपिलर की ठीक है एंड फिर उसके बाद वो कैटरपिलर के प्रोसेस से आगे के प्रोसेस से आगे के प्रोसेस में क्या होता है बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये इसका जो लाइफ साइकिल है इसका लाइफ साइकिल आपको पहले मतलब एक्सप्लेनेशन में दिया गया है अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है चलिए तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है आई हैव अ टेल एंड गिल्स लाइक अ फिश मेरे पास टेल है और गिल्स है जैसे फिश की होती है आई स्विम इन वाटर मैं वाटर में स्विम करता हूँ बट आई जम्प ऑन लैंड आई विल ग्रो बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं लैंड में जंप करूंगा तो मैं कौन हूँ तो यहाँ पे मीनस एक के बाद वाला जो प्रोसेस है वो वाला एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको जैसे कि मैगॉट हो गया नीम्प हो गया कैटरपिलर हो गया एंड टैटपोल हो गया तो इसमें से आपको बताना है तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि कौन ऐसा है जो वाटर में रहता है और वापस लैंड में जब वो आता है वो जंप करता है तो वो फ्रॉग है तो अब फ्रॉग की कैटेगरी में कौन सा आता है लाइफ साइकिल में वो बताना है हमें तो उसका आंसर है टैटबॉल ओके ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या दिया गया है एनिमल शोन हेयर इज अडेप्टेड टू लीव इन अ वेरी कोल्ड प्लेस बिकॉज इट हैज़ तो ये जो एनिमल आपको दिखाया गया है दिस दिस एनिमल इज बियर राइट तो ये एक ठंडी प्लेस में ठंडी से ठंडी प्लेस में सर्वाइव कर पाता है क्यों तो सबसे पहला कै कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये थंडी एरिया में इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि ये मोटा है है ना बिकॉज मोटा किस लिए होता है फ़ैट के वजह से तो इसमें इतनी चर्बी होती है इतनी फैट होती है जिसकी वजह से वो ठंडे से ठंडे जगह में भी अपने आप को अपने फर के वजह से और अपने फैट के वजह से वो अपने आप को गर्म रख पाता है तो उसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटे प्रोटेक्ट कर पाता है इसलिए वो ठंडी जगह में रह पाता है तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैपेसिटी टू स्टोर वाटर इन स्टमक तो ये डेजर्ट एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है स्लीपर्स फॉर स्विमिंग ये वॉटर एनिमल का है गिल्स टू ब्रीथ ये वॉटर एनिमल्स का है एंड लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इसके इसके बॉडी में फैट होने की वजह से ये सर्वाइव कर पाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको बोला है रिफर द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट तो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट देखना है और इससे रिलेटेड करेक्ट आंसर बताना है एनिमल्स की कैटेगरी दी गई है पहला है हावी दूसरा है कानी तीसरा है ओमनी हावी में कौन आते हैं एन हावी बोरस में जो घास फूस खाते हैं प्लांट खाते हैं उनसे हावी बोरस कानी बोरस के कैटेगरी में जो एनिमल्स को खाते हैं एंड ओमनी बोरस के कैटेगरी में जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल खाते हैं तो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स खाते हैं ओके तो काउ एंड बियर काउ नंबर वन में बोला गया है तो ये सही है एंड बियर ओमनी बोरस में बोला है तो ये भी सही है तब भी हम दूसरा देख लेंगे क्रो क्रो प्रो ओनली वो ओमनी बोरस है तो ये वाला ऑप्शन गलत है. Fox, fox जो है, वो carnivorous है तो ये ऑप्शन गलत है ईगल वन में बोला है तो ईगल इज नॉट अ हावी बोरस तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके लेट सी द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको दिया गया है इन अ फूड चेन एक फूड चेन है अ डैश कैन बी प्लेस्ड इमिडिएटली बिफोर द स्नेक तो किसे मतलब एक फूड चेन है हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा था एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाता है दूसरे एनिमल को तीसरे एनिमल खाता है तो ये एक फूड चेन चल रहा है जिसमें मान लीजिए एक प्लांट प्लांट प्रोडक्ट को किसी एक एनिमल में खाया है इन चारों ने ठीक है इन तीनों ने तो आप किसे स्नेक के सामने रखेंगे स्नेक घास तो नहीं खाता है तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी कट हो गया कि स्नेक घास नहीं खाता है आप स्नेक पिकॉक को भी नहीं खाता है बिकॉज पिकॉक इज इट्स एनिमी तो पिकॉक को नहीं खाता है ईगल स्नेक को खाता है तो ये भी नहीं है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इन फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म को तुरंत खाता है तो रैट जो है वो स्नेक खाता है तो ये फूड चेन में आएगा ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एनिमल्स एक्स एंड वाई इन द गिवन फ्लो चार्ट तो आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है करेक्ट आइडेंटिफाई आपको करना है एनिमल्स का जो फ्लो चार्ट में आपको दिया गया है तो यहाँ पे आपको बोला है ले एग्स तो यहाँ पे यस yes है लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर जो जमीन और पानी में भी रहता है तो मे बी ये फ्रॉग हो सकता है क्योंकि फ्रॉग जो है वो अंडे देता है राइट right? अब यहाँ पे ले एक्स नो दिया है लीव इन वाटर ऑनली यस यहाँ पे वाटर बोला है तो यहाँ पे फिश हो सकता है, है कि नहीं फिश हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं टर्टल भी हो सकता है फिश और टर्टल दोनों हो सकता है तो हिप्पोपोटामस ले एक्स नो हिपोपोटामस uh, जो हिपोपोटामस जो है वो एग्स नहीं देता है स्नेल जो है स्नेल ले एग्स एग्स का बोला है ना लिवस इन वाटर ओनली नो डॉल्फिन डॉल्फिन लिव्स इन वाटर ओनली यस टर्टल लिव्स इन वाटर ओनली नो तो ये ऑप्शन सी हो सकता है वाई में बोला है लिव्स वोथ लीव्स लीव बोथ ऑन वाटर एंड लैंड नो तो ये ऑप्शन नहीं होगा टर्टल यस yes, ये हो सकता है लेकिन ये ऑप्शन गलत है फ्रॉग लीव बोथ लैंड एंड वाटर ये ऑप्शन हो सकता है टर्टल क्रोकोटाइल लिव बोथ लैंड एंड वाटर बट ले एग्स इट डोंट इट ले एग्स राइट टर्टल ले एग्स टर्टल एग्स देते हैं तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन जो है वो अंडे नहीं देते हैं वेरस फ्रॉग जो है वो अंडे देते हैं और जमीन और पानी दोनों में रहते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में बोला है द पिक्चर बिलो शोज द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई अरेंज रैंडमली स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ ड्यूरिंग विच इज द मोस्ट एक्टिव ईटर एंड लीस्ट एक्टिव ईटर तो बटरफ्लाई के स्टेजेस चार दिए गए हैं यहाँ पे और स्टेजेस में कौन से स्टेज में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होके खाता है कंटिन्यूसली खाता है ये आपने अपने बुक्स में पढ़े होंगे और कौन सा कौन सा टाइम में वो सबसे कम खाता है उसके बारे में पूछा है तो नंबर ई e, जो है कैटरपिलर जब वो कैटरपिलर के फॉर्म में होता है तो वो सबसे ज्यादा खाता है फिर मैगोट के प्रोसेस में जब वो जाता है तब वो क्या हो जाता है सॉरी तो नंबर ई e जो है कैटरपिलर के फॉर्म में जब वो जाता है स्टेज में जाता है तो उस वक्त वो सबसे एक्टिवेटर होता है फिर उसके बाद जब वो प्यूपा के स्टेज में मीन्स एफ के स्टेज में जब जाता है इस स्टेज में जब जाता है तो वो इन पोजीशन पोजिशन होता है और वो सबसे लेस एक्टिव ईटर होता है उस वक्त तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोला है रीड द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवे एन बिलो एंड आंसर द्वेश्चन तो आपको ये लिस्ट पढ़ना है और इससे रिलेटेड आंसर देना है पहला क्या है फॉक्स फिश रैबिड एलिफेंट लीजा डक दूसरा है कैमल क्रो पिकन बेफलो एंड बैड विच ऑफ द एनिमल इन द लिस्ट ले एग्स विच ऑफ द एनिमल्स इन द गि इन द लिस्ट ले एग्स तो यहां पे कौन से एनिमल्स हैं गिवन लिस्ट में जो अंडे देते हैं फॉक्स अंडे नहीं देते हैं तो मैं इसे क्रॉस कर देती हूं फिश अंडे देते हैं राइट करती हूँ अंडे नहीं देते हैं एलिफेंट अंडे नहीं देते हैं लिजार्ड अंडे देते हैं डक अंडे देते हैं कैमल अंडे नहीं देते हैं क्रो अंडे देते हैं पिग अंडे नहीं देते हैं पेंगुइन अंडे देते हैं बफेलो अंडे नहीं देते हैं एंड बैड भी अंडे नहीं देते हैं तो पहला हो गया फिश लिजा डक क्रो एंड पिजन तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर ए में तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में आपको क्या दिया है इन द गिवन फूड वेब पी क्यू आर एस टी एंड यू आर कंज्यूमर तो यहाँ पे एक फूड वेब दिया गया है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले हैं खाने वाले विच ऑफ दिस कंज्यूमर आर बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर कौन सा ऐसा कंज्यूमर है जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है आपको यहाँ पे ये बताना है पी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इज ईटिंग प्लांट पी जो है वो प्लांट खाता है आर प्लांट खाता है यू प्लांट खाता है एंड क्यू भी प्लांट खाता है क्यू जो है वो पी को भी खाता है और टी को भी खाता है पी जो है टी जो है वो पी को खाता है पी को एस भी खाता है एस को टी भी खाता है ठीक है और यू टी को यू खाता है टी को यू खाता है तो यहाँ पे ओके यहां पे एक गलती हो गई क्यू को पी खाता है ओके इस प्रोसेस में मैं आपको डिलीट करके दिखाती हूँ आई I मीन mean, इरेज करके दिखाती हूँ यहां पे देखिए एरो पी जो है वो प्लांट भी खाता है पी जो है वो प्लांट भी खाता है एंड पी जो है वो एनिमल भी खाता है राइट अब यहाँ पे यू जो है वो प्लांट भी खाता है एंड यू जो है वो एनिमल भी खाता है तो पी एंड यू जो है वो एक ओमनीवोरस है ठीक है तो ऑप्शन डी जो होगा ये इसका आंसर होगा ठीक है ओप्स आपको ये समझ में आ रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपको बोला है आइडेंटिफाई दार्ट लेवल एक्स इन द गिवन फिगर तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स दिया हुआ है दिस वन ये वाला जो स्पेस दिखाया जा रहा है आपको तो आपको बताना है ये कि एक्स क्या है गिवन फिगर में योक है तो योक नहीं है ये येल्लो वाले पार्ट को हम योक कहते हैं एलुबियम है एलुबियम नहीं है ये इसे हम एलुबियम कहते हैं एम्ब्रॉय भी नहीं है अब तो इसे हम क्या कहते हैं ये वाला जो पार्ट होगा आप अंडे में देखते होंगे जिन्होंने जिन्होंने अंडे कभी फोड़ा होगा या जिनके घर में अंडे खाए जाते हैं एक पतला सा लेयर होता है और वहां पे कुछ भी नहीं होता इट्स अ वैक्यूम ठीक है वो जो होता है वो होता है एयर स्पेस तो इसे हम हम क्या कहते है? हम कहते हैं हैं ये एक्स को एयर स्पेस ओके ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन बी प्लेस्ड एट क्वेश्चन इन द गिवन लाइफ साइकिल तो यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिखाई गई है तो ये लाइफ साइकिल कितने की है तीन की लाइफ साइकिल किसकी रिप्रेजेंट कर रही है तो रिप्रेजेंटिंग फ्रॉग ओके फ्रॉग की लाइफ साइकिल तीन होती है वेरस बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल फोर होती है तो ये लाइफ साइकिल किसकी दिखाई जा रही है फ्रॉक की दिखाई जा रही है तो पहला है पहला स्टेज जो होता है वो होता है एक दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है किस चीज का वो होता है टैट पॉल का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टैट पॉल बिकॉज ये कैटरपिलर है ये प्यूबा है एंड दिस इज द बटरफ्लाई ओके तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज टैट पॉल तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन टेन मेल एनिमल इच टाइप ऑफ पी एंड क्यू वे लिविंग टुगेदर फॉर अ फ्यूमंथ तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है टेन मेल एनिमल ओके नॉट फीमेल एनिमल टेन मेल एनिमल ईच ऑफ टाइप पी एंड क्यू पी एंड क्यू वे लिविंग टुगेदर फॉर फ्यूमंथ इन कैप्टिविटी इन अ वेल डिफाइंड एरिया फुल ग्रीनरी फुल ग्रीनरी है वहाँ पे अदर टाइप ऑफ एनिमल्स वे नॉट प्रेजेंटेड इन दिस एरिया कोई अदर टाइप ऑफ एनिमल प्रेजेंटेड नहीं है पी और क्यू टाइप के ही एनिमल एन एनिमल आर वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस एरिया फिर एनिमल आर इंट्रोड्यूस किया गया है इस एरिया में कुछ दिनों के बाद देर नंबर वेर काउंटेड आर शोन तो यहाँ पे नंबर काउंट दिया हुआ है पी टेन है क्यू टू है एंड आर वन है वॉट डज दिस इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है ये आर जो है वो कार्नी है एनिमल ईटर है पी जो है वो हबी है क्यू इज अ हबी वोरस क्यू जो है वो हबी है तो इस चीज से आप ये तो नहीं बता सकते कि पी एंड क्यू जो है वो हबी है तो वो एक दूसरे को नहीं खाते होंगे जाहिर सी बात है जब आर को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो जाहिर सी बात है वो क्यू पे फीड करेगा है कि नहीं और क्यू का जो जो काउंट है पहले क्या बोला था टेन मेल एनिमल्स ईच टाइप एक ही टाइप के पी एंड क्यूबे लिविंग टुगेदर दोनों पी एंड क्यू आर लिविंग टुगेदर तो इससे क्या पता चल रहा है आर जो है वो क्यू पे फीड कर रहा है है कि नहीं जिसके वजह से उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है तो और वो टू से ट्रेड्यूस्ड हो गई है आप देख रहे हैं जबकि यहाँ पे बोला था टेन मेल एनिमल्स ईच टाइप पी एंड लिविंग टूगेदर तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोला है सेलेक्ट द चेन दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर तो कौन सा चेन है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में तो यहाँ पे फूड चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ग्रास को वीट नहीं खाएगा राइट right? वीट को ग्रास ऊपर खाएगा ग्रास ऊपर को फ्रॉक खाएगा एंड फ्रॉक को स्नेक खाएगा ये बराबर है ग्रास ऊपर ग्रास को रैबिट खाएगा रैबिट को फॉक्स खाएगा एंड फॉक्स को लायन खाएगा ये सही है वीट को ग्रास ऊपर खाएगा ग्रास ऊपर को स्नेक खाएगा स्नेक को फ्रॉग नहीं खा सकता

अरुण मंजरी मनीष एंड बंसुरी वे डिस्कसिंग अबाउट अ ग्रासलैंड कम्युनिटी ग्रासलैंड कम्युनिटी के बारे में ग्रासलैंड एनिमल्स के बारे में कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं कौन अरुण मंजरी मनीष एंड बंसुरी तो ग्रास डियर लायन की बात हो रही है तो द चिल्ड्रन वेयर मेड द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट द ग्रासलैंड कम्युनिटी उन्होंने अपने मन से ग्रासलैंड कम्युनिटी के बारे में कुछ रिमार्क किया है अरुण ने अरुण का रिमार्क ये था द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर ऑल द पॉपुलेशन इन द ग्रास लैंड कॉम्युनिटी कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन तो अरुण का ये कहना है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है चाहे वो कोई भी ग्रास लैंड की कम्युनिटी मीन्स कोई भी जानवर हो चाहे ग्रास हो ग्री डर हो जानवर नहीं है ग्रास हो के डर हो लायन हो सबको जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से हो रही है नेक्स्ट पेज देखते हैं मंजरी मंजरी का कहना है द ग्रास पॉपुलेशन इज मच ग्रेटर दैन द डियर पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी नीड बाय द डियर पॉपुलेशन तो वो बोल रहे हैं ग्रास पॉपुलेशन ज्यादा है डियर पॉपुलेशन से इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए ऑफ अ डियर पॉपुलेशन मनीष का कहना है देयर विल बी अ मोर लायंस वहाँ पे ज्यादा लायंस होंगे डियर इन द ग्रास लैंड कॉम्युनिटी बिकॉज एनर्जी इज पास फ्रॉम द डियर टू लायन तो वो बोल रहे हैं वहां पे लायंस ज्यादा होंगे ग्रास लैंड कॉम्युनिक कॉम्युनिटी में क्योंकि एनर्जी जो है वो डियर से लायन को ज्यादा जाती है मंसूरी का कहना है विदाउट द ग्रास पॉपुलेशन ग्रास की पॉपुलेशन के बिना ओनली द डियर पॉपुलेशन विल बी अफेक्ट बट द लायन बट नॉट द लायन पॉपुलेशन ग्रास के पॉपुलेशन की वजह से डियर की पॉपुलेशन अफेक्ट करेगी बट लायन की पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पे आपको बोलना है वे चिल्ड्रन मैन द करेक्ट रिमार्क किस बच्चे ने करेक्ट रिमार्क किया है तो यहाँ पे अगर आप अरुण मंजरी अगर यहाँ पे आप अरुण और मंजरी दोनों ने ही करेक्ट स्टेटमेंट रिमार्क किया है मनीष जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिमार्क कर रहा है क्योंकि डियर का पॉपुलेशन विल बी मच मोर देन द लायन पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एनर्जी नीड एनर्जी नीड को सपोर्ट करने के लिए ऑफ द लायन पॉपुलेशन राइट मंसूरी ऑल्सो मेड इन करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि बिना ग्रास पॉपुलेशन का डियर पॉपुलेशन अफेक्ट करेगा एज वेल एज लायन पॉपुलेशन भी अफेक्ट करेगा है कि नहीं? तो यहाँ पे अरुण और मंजरी दोनों की ही स्टेटमेंट सिर्फ सही है तो यहाँ पे अरुण और मंजरी विल बी द ओनली ओके ये इसका ऑप्शन नंबर सी विल इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द द डायग्राम डब्ल्यू एक्स वाई एंड सेड गिवेन बिलो रिप्रेजेंट द फूट ऑफ फूड बर्ड्स ए बी सी डी तो यहाँ पे W X Y Z एंड A B C D आपको फॉलोइंग डायग्राम्स दिखाए गए हैं इनके फूड का आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्ट मैच करना है तो ये जो है पैडेड फूड जो स्विमिंग के लिए अच्छा होता है ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिगार्डिंग दम फूड W यूज फॉर स्विमिंग बिलोंग टू बर्ड D. नो इट्स बिलोंग टू बर्ड B. तो ये स्टेटमेंट गलत है फूट एक्स एक्स यूज फॉर कैचिंग प्रे बिलोंग्स टू बर्ड सी सी से बिलोंग करता है तो ये स्टेटमेंट सही है ये वाला जो पंजा है वो किसी भी प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है मींस किसी भी जानवर को ऐसे दबोचने में हेल्प करता है फूट वाई वाई जो फूट है यूज्ड फॉर टेयरिंग फूड फूड को टेयर करने में हेल्प करता है बिलोंग्स टू बर्ड ए

फुट एक्स जो है इसका आप नोक देख सकते हैं किस तरीके से इसके वजह से वो पंजाब में किसी भी जानवर को आराम से पकड़ पाते हैं तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स सी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एंड एटीन इस पर रिलेट करता है तो इसे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एंड एटीन स्टडी द गिवेन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब यहाँ पे ले एग्स एनिमल्स गिव बर्थ टू तो द यंग दिखाया गया है ले एग्स के थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल दिखाया गया द यंग वन लुक लाइक द पैरेंट द यंग वन डज नॉट लुक लाइक द पैरेंट दो तरीके के होते हैं ले एग्स के फोर स्टेजेस में नो विंग्स विंग्स नहीं है एंड हैव विंग्स सी डी में ओके okay. एनिमल्स गिव बर्थ टू तो द यंग में हैव यंगे एंड हैव पॉज paws and have hoops. ये दोनों में डिफरेंस होते हैं आप, आप के बारे में सोच रहे होंगे आपने घोड़ों के पैर को देखा है घोड़े के पैर जो होते हैं गोट के जो पैर होते हैं गाय के जो पैर होते हैं वो हुस की तरह होते हैं ओके और हैफ पॉज मीन्स पॉज मीन्स पंजे पंजे की तरह जैसे कि आप ईगल uh, का देख लीजिए जैसे कि आप uh, डक का देख लीजिए पैर कैसे पैडेड होते हैं ठीक है थीके? तो उसे हम पॉज कहेंगे ठीक तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द लेटर इन द फ्लो चार्ट विथ देयर रेस्पेक्टिव एग्जांपल कैट को बोला है एफ सी को बोला है ई e, बी को बोला है सी मीन्स क्रैस ऊपर को सी बोला है एंड डी बोला है बटरफ्लाई को तो इसे याद रखिए कैट को बोला है एफ कैट को बोला है एफ पॉज सही है दूसरे में ग्रास ऊपर को बोला है सी ग्रास ऊपर इज सी नो विंग्स ग्रास ऊपर हैव विंग्स राइट तो वो इनकरेक्ट है फिर हॉर्स को कहा है ई e? हॉर्स को ई e कहा है हैव हाफ राइट है फिर उसके बाद बटरफ्लाई को डी बोला है बटरफ्लाई को डी कहा गया है हैव विंग्स ये राइट है तो इसका इन करेक्ट ऑप्शन होगा बी बटर ग्रास ओपर हेयर ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट मैच ओके लेट द क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी प्लेस्ड एट बी कौन सा एनिमल को बी में प्लेस किया जाता है किया जा सकता है तो यहाँ पे इसका सीधा साधी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको बोला है रिफर टू द गिवन फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ स्मॉल पॉइंट तो यहाँ पे एक फूड चेन दिखाया गया है जो एक स्मॉल पॉइंट से रिफर किया गया है एक्वेटिक प्लांट को खाता है वाटर इंसेक्ट वाटर इंसेक्ट को खाता है टैटपोल टैटपोल को खाता है स्मॉल फिश और स्मॉल फिश को खाता है बिग फिश तो यहाँ पे बताया गया एन ऑर्गेनिज्म एक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द कम्युनिटी विथ एक्सक्लूसिव फीड ऑन टैटपोल पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली शोज द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ वाटर इंसेक्ट एंड द स्मॉल फिश ओवर द ओवर टाइम आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्स तो यहाँ पर बोला गया है ऑर्गेनिज्म एक्स जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया पॉइंट में और वो जो ऑर्गेनिज्म एक्स है वो सबसे ज़्यादा किसे खाता है टाटपॉल के पॉपुलेशन को तो यहाँ पर कौन से ग्राफ जो होगा वो करेक्टली इसके पॉपुलेशन को डिफाइन करेगी वाटर इंसेक्ट के और स्मॉल फिश के तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज्यादा क्या खाता है टैटपॉल खाता है और टैटपोल किसे खाता है वाटर इंसेक्ट। मतलब वाटर इंसेक्ट इंसेक्ट मतलब को टैटपॉल ही नहीं रहेगा तो वाटर इंसेक्ट की कम्युनिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अब स्मॉल फिश टैटपॉल को खाती है तो उसे खाना नहीं मिलेगा तो उनकी क्वान्टिटी कम होगी क्यों क्योंकि बिग फिश भी उन्हें खा रहा है और ऊपर से उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कौन सी जो कौन सा सेटअप है जो बराबर इसे डिफाइन करता है यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे वाटर स्मॉल फिश की क्वांटिटी बढ़ रही है स्मॉल वाटर इंसेक्ट की घट रही है तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे स्मॉल फिश की भी घट रही है एंड वाटर इंसेक्ट की भी घट रही है तो ये भी गलत है यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे वाटर इंसेक्ट की कम्युनिटी बढ़ रही है और स्मॉल फिश की घट रही है तो ये सही है नेक्स्ट देख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ वाटर इंसेक्ट यहाँ पे बढ़ रही है और स्मॉल फिश की वैसे ही है तो ऐसा नहीं होगा तो इसका सरासरी अगर सीधा आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी द द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू तो नंबर ट्वेंटी में आपको बोला है मानसी अ स्टडी ऑन टू एनिमल्स पी एंड क्यू एट द एंड ऑफ अर स्टडी शी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल अबाउट हर ऑब्जर्वेशन तो मानसी ने एक स्टडी की दो जानवरों के बारे में दो एनिमल्स के बारे में जो पी एन क्यू रिफर किया जा रहा है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द स्टडी जब उसकी स्टडी ख़त्म हो गई तो उसने एक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किया जो यहाँ पर हो उसने रिप्रेजेंट किया है रिफर टू द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द एनिमल यहाँ पर हमें एनिमल को आइडेंटिफाई करना है कि पी एन क्यू में कौन सा एनिमल है ऑब्जर्वेशन में इट ले एक्स ऑन द लैंड लैंड में जमीन में अंडा देता है पी क्यू नहीं देता है इट हैज फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल इसके फोर स्टेजेस है लाइफ साइकिल के पी के नहीं है क्यू के और यहां पे इट हैज सिक्स लेग पी के भी सिक्स लेग है एंड क्यू के भी सिक्स लेग है एनिमल पी में दिया गया है बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई के फोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होता है तो ये तो नहीं होगा कॉकरोचेस के फोर स्टेजेस ऑफ फ्लाई सॉरी कॉकरोचेस के फोर स्टेजेस ऑफ फ्लाई साइकिल नहीं होते हैं तो ये दोनों हो सकते हैं बटरफ्लाई है, है यहाँ पे तो यहाँ पे भी नहीं होगा तो डायरेक्टली ऑप्शन बी और सी बच जाते हैं हमारे लिए अब यहाँ पे क्यू में बोला गया है इट हैज अ फोर स्टेजेस ऑफ फ्लाई साइकिल सही है मॉस्क्यूटो के फोर स्टेजेस ऑफ फ्लाई साइकिल होते हैं एंड इट हैज सिक्स लेग्स राइट बट फ्रॉक डू नॉट है प्रॉग के टू लेग्स होते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ओके होप सो आपको ये समझ में आया हो अगर आपको भी ये इतना ईजी लगा है सॉल्व करना तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर इतना ईजी हो सके और एजुकेशन जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा एजुकेट होंगे लोग तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपने एजुकेशंस को शेयर करना तो इसीलिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ उनको भी इसमें इनरॉल होने के लिए बोलिए ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके ओलंपियाड के अच्छे से और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो तो दैट तो जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय